हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जो कि कैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। गाइस आपके कैट को लेकर नोटिफिकेशन पहले ही आउट हो चुके थे कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले थे एंड फर्स्ट ऑफ अगस्त से ये स्टार्ट होने वाले थे, बट इनके वेबसाइट पर कुछ टेक्निकल ग्लिच था और ये थोड़े से लेट स्टार्ट हुए थे। तो 1 अगस्त को जो भी अगर इसको फिल करने की सोच रहे थे तो उनको टेक्निकल ग्लिच ज़रूर मिला होगा, बट नाउ इट इज़ रिजॉल्व्ड। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखना और जो भी डिटेल आप फिलअप करोगे मेक श्योर वो बहुत कॉन्क्रीट हो और एकदम एक्यूरेट हो, बिकॉज जो भी आप डिटेल्स भरकर सबमिट करोगे वही आगे जाकर फाइनल हो जाएगी और उसमें आप कोई फिर चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो अगर आप रॉन्ग डिटेल्स फिलअप करोगे तो रॉन्ग डिटेल्स ही वहाँ पर सबमिट हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो को आराम से देखना। आपके पास अच्छी खासी विंडो भी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो कोई गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को आप गो थ्रू कर लेते हैं कि 1 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। 13 सितंबर आपके पास लास्ट डेट है, अप टू 5 PM आप अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। 5 नवंबर को आपको आपके एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं और 24 नवंबर विच इज़ संडे आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप कहीं लिख कर रख सकते हो या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी गो थ्रू कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको इनके होम पेज पर ही 2 इंपॉर्टेंट टैब दिखेंगे, विच इज़ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन आईएम्स इंस्टीट्यूट फॉर कैट 2024। तो अगर आप आईएम्स को छोड़कर दूसरे किसी इंस्टीट्यूट बी स्कूल्स को टारगेट कर रहे हो थ्रू कैट तो आपको इस पर रजिस्टर करना है, और अगर आपको आईएम्स को टारगेट करना है तो आपको पहले वाले टैब पर रजिस्टर करना है। और अगर आपने पहले से ही रजिस्टर करके रखा है अपने आप को तो आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो और आपको आईएम्स को टारगेट करना है तो आपको पहला वाला टैब पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, इसमें काफ़ी बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू फिल इन द डिटेल्स मेंशन बिलो टू रिसीव द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। कैंडिडेट विल रिसीव द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड और ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप जो भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहां पर प्रोवाइड करने वाले हो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रखना, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आने वाले हैं आपको दिए गए फ़ोन नंबर और दिए गए ईमेल एड्रेस पर ही आने वाले हैं। Overseas candidates will receive both user ID and password on their registered email address. Candidates can log in with their user ID and password to complete the application form. Candidate must provide correct name, date of birth, mobile number and email address, as these details cannot be changed once the registration is complete. तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी आप डिटेल्स फिलअप करके दोगे वो फाइनल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फिर कंट्री, मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद इस डिक्लेरेशन को चेक करके कैप्चा फिलअप करके कंफर्म कर लेना है। तो सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर कर लोगे आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, उसके अंदर आपकी यूज़र आईडी, आपका कैंडिडेट नेम, कंट्री, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी और डिक्लेरेशन। तो एक एक करके सारी चीज़ों को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप की है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। तो जो भी आप यहाँ पर रेड स्टार मार्क वाला फील्ड देख रहे हो वो आपको मैंडेटरी है, वो फिलअप करना पड़ेगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। सो सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर फिलअप करना है, स्पाउस नेम अगर आप देना चाहो दे सकते हो। स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर अदर पर्सनल डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी अगेन आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से, कैटेगरी आपकी सिलेक्ट कर लो, जनरल से बिलोंग कर रहे हो, EWS, NC, OBC, मेक श्योर जनरल के अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो उसका आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर येस तो येस, नो तो नो। स्क्रॉल डाउन कर लो, फिर आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करना है, एड्रेस लाइन 1 कंपलसरी है, फिलअप करनी पड़ेगी, फिलअप कर लो। यहाँ से आपकी कंट्री अगेन सिलेक्ट कर लो, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, टाउन या फिर सिटी, पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करना। आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, इस
परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, येस टू येस, नो टू नो, तो ये यहाँ पर ऑटो फिलअप हो जाएगा। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना कंपलसरी है, तो आप देना ही पड़ेगा आपको। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ से आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर दोनों अपलोड करनी है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सैम्पल भी ओपन हो जाएगा कि आपको कैसी फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसी फ़ोटो एक्सेप्टेबल है। तो ब्लरी फ़ोटो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करके दोनों फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। उसके बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। फिर आएगा हमारा एकेडमिक्स। तो सबसे पहले आपको टेंथ की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। आपका बोर्ड नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लो ड्रॉप डाउन में से, कौन से मंथ और ईयर में आपने कंप्लीट किया था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मैक्सिमम कितने मार्क्स का वो पेपर था और कितने मार्क्स आपको मिले थे। एग्रीगेट परसेंटेज भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है, स्क्रॉल डाउन कर लो। सेम वे आपको ट्वेल्थ की भी डिटेल्स फिलअप करनी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो कोर्स टाइप क्या था आपका, ट्वेल्थ या फिर डिप्लोमा। ट्वेल्थ बोर्ड नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, डिसिप्लिन कौन से डिसिप्लिन में आपने किया था, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस या फिर कोई अदर। कितने मार्क्स का पेपर था, कितना मार्क्स आपको मिला था। एग्रीगेट परसेंटेज स्क्रॉल डाउन कर लो। सेम भी आपको बैचलर्स डिग्री की भी डिटेल्स फिलअप करनी है, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स, अगर येस तो येस, नो तो नो, हैव यू कम्प्लीटेड बैचलर्स, येस तो येस, नो तो नो। कितने ड्यूरेशन का वो डिग्री थी, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट थी, डीम थी, फॉरेन थी, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट अगेन सिलेक्ट कर लो यहाँ से, इंस्टीट्यूट नेम, नेम ऑफ कॉलेज और डिग्री नेम, आप यहाँ से आपकी डिग्री ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ डिग्री विथ ऑनर्स या फिर वोकेशनल, एग्जाम्पल अगर आपने बी एस सी ऑनर्स किया है, बी कॉम ऑनर्स किया है, बी ए ऑनर्स किया है या फिर बी ए वोकेशनल किया है, तो आपको सिंपली उसकी करस्पॉन्डिंग डिग्रीज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, सच एस बी एस सी, बी कॉम या फिर बी ए। तो अगर आपको ऑनर्स नहीं दिखा तो घबराना मत, उसकी करस्पॉन्डिंग डिग्री आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगेन आपको यहाँ से डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, मंथ एंड ईयर ऑफ कम्प्लीशन, एग्रीगेट मार्क्स या फिर प्रमोशन, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज सिलेक्ट डाल देना है आपका। डू यू हैव एनी अंडरगोइंग ड्यूअल और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर येस तो येस, नो तो नो, स्क्रॉल डाउन कर लो। मास्टर्स डिग्री डिटेल अगर आपको फिलअप करना है, आपने कोई मास्टर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिलअप कर ली, सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर लो। फिर ये पेज आता है वर्क एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ये पेज आपके लिए है। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो फिलअप कर लो, ये आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी हैंडी चीज़ होगी। तो यहाँ से आप अपनी इंडस्ट्री टाइप, वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो। स्क्रॉल डाउन कर लो, सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज़ योर प्रोग्राम्स। यहाँ से आपको सारे आईएम्स को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहली बात आपको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो आपके सारे आईएम्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस देनी है आपके इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप सिटी 1, सिटी 2 हर एक कैंपस को लेकर दे सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस दे दी सिटी को लेकर, स्क्रॉल डाउन कर लो, सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर लो। अब हमें देना है अपना टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर 5 सिटीज़ दे सकते हो प्रेफरेंस में। सबसे पहले आपकी खुद की सिटी रखना, उसके बाद बाकी की जो 4 सिटीज़ हैं वो आपकी नियर बाई सिटीज़ रखना। सो एक एक करके आप ड्रॉप डाउन में से यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर 5 सिटीज़ ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब जो लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा आपका डिक्लेरेशन और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस एज़ पर योर कैटेगरी। स्क्रॉल डाउन कर लो तो आप यहाँ पर बाइफरकेशन भी देख सकते हो कि आपके 2500 के क्या बाइफरकेशंस हैं। स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लो, चूज़ योर पेमेंट मोड, आप दोनों मोड में से कोई भी एक मोड सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर लो और सबमिट करने से पहले एक बारी प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना। आपके फॉर्म में जो भी एडिटिंग है, जो भी चेंजेस करना है, आप कर सकते हो बिफोर क्लिकिंग ऑन दी सबमिट बटन। जैसे आपने सबमिट कर दिया, एक बार पेमेंट कर दी, आपका फॉर्म लॉक्ड हो जाएगा, आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। सेम वे अगर आपको नॉन आईएम्स को टारगेट करना है, तो आपने जो वो वाला टैब देखा था नॉन आईएम्स को लेकर, आप उस पर क्लिक करके
नॉन आई एम्स को चूज़ कर सकते हो जितने भी टॉप स्कूल्स हैं। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारी डेट आ चुकी है एग्जाम्स को लेकर और अभी हमारे पास अगस्त को पकड़कर सिर्फ 3 महीने बाकी हैं एग्जामिनेशन के लिए और नवंबर में कुछ दिन बाकी है। तो अभी हमें एम्फसाइज करना है सेल्फ स्टडी पर। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट रिसोर्सेज और आप उनको कैसे एक्सेस करोगे, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑल राइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, यहाँ पर एमबीए एंट्रेंस पर क्लिक कर लो, स्क्रॉल डाउन कर लो, फुल कोर्स को चेकआउट कर लो। तो यहाँ पर आपको सेकेंड टैब है उसको चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलेंगे 276 वीडियो लेक्चर्स, 42 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। इफ़ यू गो बैक, आपको मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला टैब चेकआउट करना है, इसके अंदर मिलेंगे आपको 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने मॉक टेस्ट आप दोगे उतना आप मेक श्योर करते जाओगे कि आपके जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाए। इन दोनों प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइज, दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगेन, कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।